लेबर ट्रेडर्स असोसिएशन नागपूरतर्फे 17 ते 19 सप्टेंबर या कालावधीत 61वी ऑल इंडिया पेपर ट्रेडर्स कॉन्फरन्स अर्थात अखिल भारतीय पेपर ट्रेडर्स परिषद फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स असोसिएशन आयोजित करण्यात आली आहे. परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 17 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 4:30 हॉटेल रेडिसन ब्लू वर्धा रोड येथे होणार आहे. FPTA चे अध्यक्ष दीपक मित्तल समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. असीम बोर्डिया हे वर्ष 2022-2023 साठीचे FPTA चे नामनिर्देशित अध्यक्ष आहेत. AGM आणि कॉन्फरन्स दरम्यान बोर्डिया यांना FPTA चे नवे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारतील. या राष्ट्रीय परिषदेत देशभरातील पेपर उद्योगातील मान्यवर आणि आघाडीचे ब्रँड सहभागी होत आहेत. या 3 दिवसीय कार्यक्रमात व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील 600 अधिक प्रतिनिधी सामील होणार आहेत. परिषदेत कागद उद्योगाची सद्यस्थिती, आव्हाने आणि संधी यावर सादरीकरणे होणार असून नजीकच्या भविष्यात या उद्योगात संभाव्य व्यक्तीवर चर्चा करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधीद्वारे तपशीलावर चर्चा केली जाईल. पेपर ट्रेडर्स असोसिएशन नागपूरने वर्ष 2000 सुरुवातीला नागपुरात राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी नागपूरचे महेश खंडेलवाल हे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. FPTA ही 63 वर्षांपासून कार्यरत देशभरातील 35 घटक सदस्य संघटनांची एक संस्था आहे. ही देशातील पेपर ट्रेडर्सची पालक आणि सर्वोच्च संस्था आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1050 व्यापारी हे थेट सदस्य आहेत. यात देशभरात सुमारे 8000 पेपर व्यापारी आहेत जे FPTA चे सदस्य आहेत. FPTA मोठ्या प्रमाणावर कागदाच्या वापरास प्रोत्साहन देते. कागदाच्या वापरामुळे निसर्गातले हिरवे आच्छादन कमी होते. कागद निसर्गासाठी वाईट आहे. झाडे तोडून कागद तयार केला जातो. इतर अनेक गैरसमज दूर करण्यासाठी FPTA प्रयत्नशील आहे. कागद इतरही स्त्रोतापासून बनविला जातो, असे की निरुपयोगी पेपरचा पुनर्वापर, शेतातील कचरा आणि अगदी दगडांपासून सुद्धा पेपर निर्मिती केली जाते. इतर वस्तूंच्या तुलनेत कागद ही दैनंदिन वापरासाठी सर्वात टिकाऊ वस्तू आहे आणि त्याचा पुनर्वापर करता येतो. याबाबत देखील AFPTA जनजागृती करीत आहेत. पेपर से वाकिफ है, जो पेपर आप लोग यूज करते हैं वो पेपर ट्रेडर्स के व्यापारी आप लोगों को सप्लाई करते हैं. ऐसी संस्था का एक नेशनल मीट नागपुर में होने जा रहा है. नेशनल मीट पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन का. पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन एक फेडरेशन के अधीन होती है. फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ये राष्ट्र की पेपर व्यापारियों की एक फेडरेशन है जिसके अधीन 35 एसोसिएशन काम करते हैं. नागपुर उसमें से एक है. नागपुर में इसके पहले 2000 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अध्यक्ष हमारे महेश जी खंडेलवाल रहे थे. अब 22 साल बाद वापस नागपुर को फेडरेशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस लेने का अवसर मिला है. ये 17, 18 और 19 सितंबर को नागपुर में होटल रेडिसन में ली जाएगी. इसके अंदर 500 से 600 डेलीगेट्स पेपर व्यापारी ऑल इंडिया से नागपुर में आने की संभावना है. ऑलरेडी 500-550 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुका है. होटल रेडिसन और होटल प्राइड, यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था करिए. सारे कार्यक्रम होटल रेडिसन में होंगे. इनॉगरल सेशन 17 तारीख को होगा, जिसमें हमारे लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर श्री नितिन जी गडकरी चीफ गेस्ट होंगे. इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज डिग्निटरीज वे यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर एंड कीनोट स्पीकर आ रहे हैं. पेपर से संबंधित जो समस्या है व्यापारियों की सरकार तक पहुंचे, उस माध्यम से हम लोग उसमें कार्य करेंगे. पूरी टीम 4 महीने से इसका काम कर रही है. आगे अब दिन कम रह गए हैं, तो मेरा पत्रकार बंधु सभी से निवेदन है, कृपया इसकी जन जागरूकता आप ने हर पेपर में हर इलेक्ट्रिक मीडिया में कवर करें. 17 तारीख को शाम को ठीक 4:30 बजे होटल रेडिसन में इसका एनर बोलूंगा, जैसा कि बता चुका है. आप सभी उसमें आमंत्रित है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें. 17 सितंबर को हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जो कि 4:30 बजे से हमारा इनॉग्रल प्रोग्राम है, जिसमें सेंचुरी,
आईटीसी, जेके, आंध्रा, ओरिएंट, इन सब के बड़े बड़े डिप्यूटीज, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, ये सब आने वाले हैं। साथ में हमारे हॉनरेबल चीफ गेस्ट गडकरी जी साहब भी आने वाले हैं, और उसके साथ में नागपुर के जो अपने जाने माने हस्तीज हैं, हमने उन सबको इनवाइट भी किया है, करीब अप्रॉक्स 50-100 वो भी है। और इसके अलावा हमारा शाम को उसके बाद में प्रोग्राम बिजनेस सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद में सेकेंड डे हमारा 1-to-1 स्टार्ट होगा, टेक्निकल प्रोग्राम हमारे है जिसमें पेपर के बारे में जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, डिग्निटीज आ रही है, उनको जानकारी देंगे पेपर कैसा बनता है, उसके टेक्निकल क्या, ये सबकी डिटेल्स हम उनको देंगे। उसके बाद शाम को 5-2-4 उसमें और मीटिंग्स ऐड होती रहेगी, उसके बाद 5 बजे जो है उसके आगे की जानकारी हमारे सेक्रेटरी श्री हर्षित जी बंसाली आपको देंगे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।